अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। यहाँ आज मदर्स डे है, बस ये है कि हम लोग चल रहे हैं अम्मी की तरफ, और वहाँ जाकर जो है कुछ ऐसे ही छोटा मोटा सा हल्ला गुल्ला करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे उसको। और ये है कि अम्मी को मैंने, अब्बू को मैंने फ़ोन करके कह दिया है कि आप अम्मी से कहें कि रेडी हो जाएं, और क्या कहते हैं हम लोग बस आते ही हैं थोड़ी देर में। और क्या कहते हैं, भजिया को भी मैंने फ़ोन करके बोल दिया है। आज मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। रीज़न, एक तो मैं आज काम वगैरह में लगी हुई थी, सारी पता नहीं कौन कौन सी सफाइयाँ लेके बैठी हुई थी, और बच्चों की वार्डरोब भी सेट कर रही थी। एक रीज़न ये है। एक रीज़न ये भी है कि आज हशू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनको जो है फीवर भी बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर हुआ है। दवाई वगैरह उनकी चल रही है, लेकिन बिल्कुल भी दवाइयाँ जो है ना, दवाई से सही नहीं हो रहे वो। बस ये है कि देखें अब क्या होता है क्या नहीं होता, और उनकी दवाई वगैरह भी लेनी है अभी अशू की। तो बस अभी अम्मी के यहाँ पहले के जो है कट वगैरह करके मियाँ जी आ जाएं तो मैं केक लेने जाऊंगी, फिर केक कट करेंगे, और बस थोड़ा सा केक कटिंग के बाद बस हम लोग वहाँ से निकलेंगे, और हशु के लिए दवाई वगैरह लेनी है। तो बस ये चीज़ है। इस चक्कर में थोड़ा जो है ना आज दिमाग ज़रा डिस्टर्ब हुआ हुआ था, तो ये चीज़ है। और ये मैं छोटा सा एक गिफ्ट है जो आप देखिएगा जब अम्मी खोलेंगी। तो ये हशु, ठीक है? आपका फीवर कैसा है? मैं लो अच्छू, अभी भी बहुत गम मोले हो आप, तो गम मोले हो। चलो कोई बात नहीं, बाबा आ जाएंगे ना अभी, तो अभी मम्मा बाबा दिखा कर लेकर आएंगे। सही है मेरा शहजादा। तो बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क जो है मसला कर रहे हैं, चल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा जो है ना डेटा भी नहीं चल रहा, और मसला कर रहे हैं, और क्या कहते हैं वाईफाई भी बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है, नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। मतलब इस तरह चल रहा है कि अपनी मर्ज़ी और अपने मूड में चल रहा है, दोनों चीज़ें, वाईफाई भी और डेटा भी, और दोनों चीज़ें चला के देख लें, और दोनों चीज़ें बड़ी मसले मसाइल चल रही हैं। व्लॉग अपलोड करने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। बस मैं मियाँ जी का वेट कर रही हूँ, टाइम हो रहा है 11:30। बस बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, और अब तो डेट भी चेंज होने वाली है, लेकिन बस ये है कि हमने कहा चलो कोई मसले की बात नहीं है, अब टाइमिंग ही ऐसी है भाई, क्या कर सकते हैं हमारे पास जो है ना। तो चले मियाँ जी आते हैं, तो फिर आप लोग से मिलते हैं हम। लानू अशु ने भी मुझे विश किया कि मम्मा हैप्पी मदर्स डे। अच्छा कैसे बोला था? हैप्पी मदर्स डे मम्मा। थैंक यू बेबी, थैंक यू शहजादू। देना है आपको मुझे, मतलब गिफ्ट देना है। हैप्पी मदर्स डे मम्मा जान। थैंक यू। तो बस ये यही कह रहे थे हर्षू लानू डैना के हमें जो है वो करना है, आपको गिफ्ट देना है। पिछले साल इन्होंने मुझे चॉकलेट दी थी, मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, और ना इस दफ़ा भी कह रहे हैं पीछे लगे हुए गिफ्ट देना है। मैंने तो बस ये अब अपने बाबा के पीछे लगे हुए हैं कि बाबा हमें जो है ना मम्मा को गिफ्ट देना है। मैंने कहा आप लोग ने इतना बोला, सोचा वही बड़ी बात है, उसी के लिए थैंक यू है भाई। और क्या कहते हैं, कह रहे हैं रेहान मम्मा मैं बड़ा होता ना मैं घर डेकोरेट करता अपना जो है ना आपका रूम डेकोरेट करता, बलून्स लाता, वो लगाता। मैंने कहा मेरा मुन्ना, मैंने प्यार प्यार किया, मैंने कहा आपने इतना सोच लिया तो मम्मा के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये सारी बात है कि बस अच्छी सोच होनी चाहिए, कि छोटे छोटे बच्चे ऐसी जब प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो वही काफ़ी है। सुमिया जी आ गए हैं, अब हम निकलेंगे। हेलो, सब कैसे हैं? ठीक है, अच्छे लग रहे हैं प्यारे। थैंक यू सो मच। अच्छा हैप्पी मदर्स डे बोल दिया आपने मम्मा को? दोनों ने बोल दिया।
सो चलें जी। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी मम्मा जान कितनी प्यारी लग रही हैं, खिल रही हैं अम्मी आप माशाल्लाह से। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। जरा कितनी देर से आई हैं ये लेट लतीफ साहब नी, दो मैं खुद दे दूंगी की, ये लो। ये जावेद भाई हैं, ये रे जावेद भाई, और ये सिद्धू पाजी। अबे इतनी देर लगाते हैं भजिया, कॉल पे कॉल कर रही हूँ, उठा नहीं रही। भजिया फालूदा लेके आई है हम सबके लिए, मेरा अलग से आया है ग्लास, थैंक यू सिद्धू पाजी, जावेद भाई थैंक यू। ये हम केक निकालेंगे, पार्टी पॉपर भी लेके आई हूँ। सबसे छोटे भाई हमारे सुभान जो हैं वो जॉब पर गए हुए थे। ये रियान यॉर्निंग, लाए जी अब मैं कट कर देती हूँ पीसेस। मजा आया, थैंक यू फालूदा के लिए। बच्चों के साथ आपने कोऑपरेट किया, वो कह रहे थे कि मम्मा को कुछ देना है तो उसके लिए आपने बच्चों के साथ कोऑपरेट किया। मुझे आते के साथ ही ऑर्डर दे दिया, बाबा मुझे मम्मा को गिफ्ट देना है। अच्छा मुझसे भी काफी टाइम से कह रहे थे, सो थैंक यू। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यकीनन आप लोग को अच्छा लगा होगा मदर्स डे का ये व्लॉग, और मेरे बच्चों ने भी माशाल्लाह बहुत एफर्ट्स डाली, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे। सो ये होता है कि आप अपने अपने बड़ों के लिए अपने अपनों के लिए अच्छा सोचें तो वो आपकी जनरेशन आपके साथ करती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत मज़ा आया, और हमारी अम्मी भी खुश और मेरे बच्चों की मम्मा यानी मैं खुश। सो चले जी चलते हैं, तब बच्चे अपनी मदर्स का ख्याल रखें और उनको बहुत प्यार दें, बहुत रिस्पेक्ट करें, फिर जब आपका टाइम आएगा तो बच्चे हैं वो आप लोग के साथ वैसे ही अच्छा बर्ताव रखेंगे जब आप अपने बड़ों के लिए अपने माँ बाप के लिए अच्छा सोचेंगे। तो बस यही चीज़ है, और
अभी एज के हिसाब से बहुत अच्छा था, बहुत खुश हुई मैं। और ये नहीं भी करते हो तब भी मैं खुश थी, क्योंकि वो बातें इतनी प्यारी प्यारी कर लेते हैं वैसे ही। सो बस यही है, चलें जी चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दो में हमें याद रखिएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।